दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर में लाइक डिसलाइक जरूर करा करें। दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन को हमारी तरह अपने कलेजे चिपकाकर हमेशा अपने पास रखते हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना है, क्योंकि आज हम आपको अपने फोन से जुड़ी कुछ ऐसे खास टिप्स देने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काम की होगी, और जो टिप्स हैं वो आपकी बैटरी की चार्जिंग को लेकर। तो आइए फिर लेना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि अपने स्मार्टफोन को हमेशा उसी चार्जर के साथ चार्ज करें जो आपको उसके साथ मिला हो, और अगर बाई चांस आपको ओरिजिनल चार्जर ना मिले तो ध्यान रखें कि जो चार्जर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका आउटपुट वोल्टेज और करंट रेटिंग आपके फोन के साथ आए चार्जर के साथ मैच करता हो। कभी भी सस्ते चार्जर जिन्हें हम लोकल चार्जर कहते हैं, इनका इस्तेमाल जल्दी ना करें, क्योंकि इनमें ओवरचार्जिंग से बचाने के लिए कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं होता, तो इसलिए ये आपकी बैटरी और फोन को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने फोन को चार्ज करते समय फोन का प्रोटेक्टिव केस हटा दें। फिलहाल चार्ज करते वक्त बैटरी का थोड़ा सा गर्म होना स्वाभाविक है, मगर फोन पर कवर लगा होगा तो ये और गर्म हो जाएगा, इसलिए चार्ज करते वक्त फोन को या तो हार्ड सरफेस पर रखें या फिर किसी सॉफ्ट कपड़े पर स्क्रीन के बल रखें। दोस्तों, वैसे तो आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में ऑटो पावर कट ऑप्शन होता है, यानी बैटरी चार्ज होने पर वह अपने आप बैटरी अतिरिक्त चार्ज लेना बंद कर देती है, लेकिन फिर भी कोशिश यही करें कि फोन को कई कई घंटों तक चार्जिंग पर ना छोड़ें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ये वाली सुविधा हमें मिली है भी कि नहीं। अब आपको बता दें कि बैटरी को चार्ज करने से पहले उसे 20% तक तो डिस्चार्ज होने ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 60% या 50% देखते ही हम चार्जर तरफ दौड़ पड़े और उसे बार बार चार्ज करने लग जाएं। मतलब कहने का मेरा एक लाइन में ये है कि अगर आप अपने फोन की बैटरी को बार बार चार्ज करते हैं तो ओवरऑल आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। अगर आप अपने फोन को डायरेक्ट चार्जिंग पर लगाए हो या पावर बैंक के साथ लगाकर चार्ज कर रहे हो तो इस वक्त इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके इस्तेमाल करने के दौरान आपके स्मार्टफोन का तापमान बढ़ जाता है, और जिसके चलते आपकी बैटरी के साथ साथ आपके फोन की परफॉर्मेंस पर भी असर खराब पड़ सकता है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को भी एक लाइक दे देते हैं तो हमारे आने वाली वीडियो की भी परफॉर्मेंस पर एक अच्छा असर पड़ सकता है। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।